नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। सीएम वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर साधा निशाना, कहा मुझे वो दिन याद है जिस दिन सुक्खू हुआ था पैदा। सीएम वीरभद्र सिंह ने नाचन से कांग्रेस के टिकट को बदलने के दिए संकेत, कहा जिसके प्राप्त में होगा उसे ही मिलेगा टिकट। मंडी जिले में शुरू हुई कांग्रेस की पथ यात्रा, द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कौल सिंह ठाकुर ने किया शुभारंभ, कहा गांव-गांव जाकर लोगों को बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। और उद्यान विभाग सोलन द्वारा मशरूम उत्पादन पर आधारित प्रशिक्षण शिविर का किया जा रहा आयोजन, दो जिलों के करीब 30 प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। सीएम वीरभद्र सिंह का कहना है कि उन्हें वो दिन याद है जिस दिन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पैदा हुए थे। यह बात उन्होंने मंडी जिला के सुंदरनगर में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। बता दें कि पिछले कल सीएम वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस की पथ यात्रा की जानकारी न होने की बात कही थी। इसी के जवाब में सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया था कि सीएम को इस बारे में बताया गया था, शायद वो भूल गए होंगे। इसी बात को लेकर जब सीएम से सुंदरनगर में सवाल पूछा गया तो सीएम ने कहा कि उन्हें वो दिन याद है जिस दिन सुक्खू पैदा हुए थे। उन्होंने सुक्खू को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें रिमार्क्स करना किसी को शोभा नहीं देता। कि जो पथ यात्रा के बारे में आपको भी बताया गया था, मुझे उन्हें वो दिन याद है जब वो पैदा हुआ था। ये रिमार्क्स करना जो है किसी को भी शोभा नहीं देता। वहीं जब सीएम वीरभद्र सिंह से सरकार और संगठन के बीच चल रही खिंचातान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और संगठन अपना काम। सीएम से जब यह पूछा गया कि क्या सरकार और संगठन चुनावों के लिए तैयार है तो उन्होंने कहा कि संगठन भी अपनी कोशिश करेगा और सरकार भी अपनी मुहिम चलाएगी। सर, सरकार और संगठन में तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा, क्या ऐसे कारण है कि ऐसी ऐसी से कोई बात नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं। आने वाले जो चुनाव है सर, क्या मान के चले सरकार और संगठन दोनों तैयार है चुनावों के लिए? संगठन भी अपनी कोशिश करेगी और सरकार भी महीन पर चलेगी। इससे पहले सीएम वीरभद्र सिंह ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास कर जनता को तोहफे दिए। सीएम ने 3,25,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले आईटीआई के छात्रावास का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने 5,00,00,000 की लागत से बने पुलिस थाना भवन सुंदरनगर का उद्घाटन किया। पहले हमने जो यहाँ पर लड़कियों का हॉस्टल है उसका फाउंडेशन स्टोर रखा, और ये भी दूसरा ये पुलिस स्टेशन, ये बहुत आधुनिक स्टेशन बना है, उसका उद्घाटन किया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। सीएम वीरभद्र सिंह ने नाचन से कांग्रेस के टिकट को बदलने के संकेत दिए हैं। यह संकेत उन्होंने मंगलवार को नाचन विधानसभा क्षेत्र के कनेड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए दिए। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि जिसके प्राप्त में होगा टिकट उसी को मिलेगा। बता दें कि नाचन से इस वक्त टेकचंद डोगरा कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। डोगरा दो बार हार चुके हैं और मौजूदा समय में उन्हें SC ST विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है। नाचन से कांग्रेस के टिकट को लेकर कई चाहवान कतार में खड़े हैं, जिनके बारे में सीएम वीरभद्र सिंह को पूरी जानकारी है। यही कारण है कि मंगलवार को जब सीएम वीरभद्र सिंह नाचन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने टिकट बदलने के संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि टिकट किसे मिलेगा इसका फैसला तो कमेटी ही करेगी, लेकिन जिसके प्रावध में होगा टिकट और जीत उसी को मिलेगी। सीएम ने कहा कि हो सकता है कि कोई नया चेहरा हो या फिर किसी बूढ़े को ही मौका दिया जाए, इन सब बातों पर आने वाले समय में फैसला होगा। बाकी कौन MLA बनेगा, कोई बनेगा, ये तो जब आप पार्टी बैठेगी टिकट बांटने के लिए तब का सवाल है। हो सकता है कोई नए आदमी आए, हो सकता है कोई ढूंढे झगड़ों को रिटायर किया जाए, कई बातें होती है।
मरीज के मतलब ये नहीं है जी को रिटायर घर में रिटायरमेंट करके भेजा जाता है क्योंकि वो निकम्मा है या आपकी सेवाएं नहीं है, ये कहना बहुत बहुत गलत है। वो होगा जो किसी के प्रारंभ में लिखा हुआ होगा। इससे पहले सीएम वीरभद्र सिंह ने नाचन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कनैड भौर डुगराई छात्र अपर बहली व जुगाहन तथा ग्राम पंचायत ढोलाधार कोटला घीड़ी तथा भलाना के लिए बनने वाले पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम के समक्ष हटगढ़ में डिग्री कॉलेज की मांग को सभी नेताओं ने प्रमुखता से रखा, लेकिन सीएम ने सिर्फ कनैड स्कूल को साइंस लैब की सौगात देकर बाकी मांगों को अनसुना कर दिया। इसे नाचन के लोगों में भारी निराशा देखने को मिली। है ना, तो जी मैं यहाँ पर साइंस लेबोरेटरी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी से जो बड़ी जो लेबोरेटरी होती है उसको मैं यहाँ पर बिल्डिंग जो है उसके लिए टाइमिंग की जाएगी। धन्यवाद। समारोह में नाचन से भाजपा के विधायक विनोद कुमार भी मौजूद रहे और इस दौरान एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश में तीन चरणों में हो रही कांग्रेस की पथ यात्रा का मंडी जिला में शुभारंभ हो गया है। मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के रुंज गांव से स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने इसका विधिवत शुभारंभ किया है। उनके साथ मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रेमलाल सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर में पथ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पथ यात्रा तीन चरणों में आयोजित की जाएगी जिसके पहले चरण का शुभारंभ हो गया है। उन्होंने बताया कि 4.5 वर्षों के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने विकास के अभूतपूर्व कार्य किए हैं और अब इन कार्यों को जनता के बीच ले जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पथ यात्राओं के माध्यम से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव पैदल जाकर पार्टी और सरकार की नीतियों का प्रचार करेंगे। कौल सिंह ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं से इन पथ यात्राओं में शामिल होने का आह्वान किया है। विकास के कार्यों के बारे में जो हिमाचल सरकार ने किए हैं जनता को उसे अवगत कराया जाएगा। उसी सिलसिले में आज हमारे द्रंग चुनाव कांग्रेस कमेटी की मीटिंग जो है यहाँ रूंज में हुई है। हमने पद यात्रा की है, यहाँ मशहूर देवता जो बड़ा बिंगड़ है वहाँ से हम इसका आरंभ किया है। अभी यहाँ से नीचे उतर करके गांव गांव जाकर के मैगल तक हम ये पथ यात्रा करेंगे, लोगों को उसके बारे में बताएंगे। तो ये तीन चरणों की पथ यात्रा जो है आज हमारे द्रंग चुनाव क्षेत्र से रूण से शुरू हुई है, जिसमें कटिंडी पंचायत, फिर अपने टांडू पंचायत और उसके साथ ही आगे फिर जो है उन्नू और डड़ा पंचायत में भी हम एक जो है पथ यात्रा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में शुरू हुई पथ यात्रा का आगाज बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में हुआ। भारी बारिश के चलते यह पथ यात्रा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार कौड़ा की अध्यक्षता तथा विधायक किशोरी लाल की अगुवाही में बैजनाथ के कांग्रेस कार्यालय में शुरू होकर पपरोला पेट्रोल पंप तक चली। इस यात्रा में बैजनाथ चुनाव क्षेत्र से आई महिलाओं सहित लगभग 500 से 600 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विधायक शोरीलाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस पथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों तथा क्षेत्र में हुए विकास के बारे में अवगत करवाना है तथा इसके लिए प्रत्येक पंचायत के हर बूथ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता अवगत करवाएंगे। विधायक ने कहा कि बुधवार को यह पथ यात्रा सहेल, धरेड़, भट्टू, पंजाला आदि पंचायतों का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में पूरे चुनाव क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी है। क्षेत्र में हुए चौमुखी विकास के दम पर बैजनाथ में कांग्रेस पार्टी अपनी परचम लहराएगी। मैंने 4.5 वर्षों में विकास किया है, जनता तक विकास को पहुंचाना है, तो यही एक माध्यम है लोगों से मिलूं और जो विकास मैंने 4.5 वर्षों में किया है उसे जनता तक पहुँचाऊँ। मैंने आज प्रथम चरण में बैजनाथ कुपरोला में पथ यात्रा शुरू की है, जन जन तक अपने जो विकास की स्कीमें हैं जो मैंने विकास 4.5 वर्षों में किया है उसे पहुँचाऊँगा
कल हम सेहल रेड़ दियोड़ पटार उतराला तक हम जाएंगे, वहाँ भी बूथ स्तर पर लोगों से मिलके जो 4.5 वर्षों में बैजनात्मक काम हुए हैं। इस पथ यात्रा को लेकर खराब मौसम के बावजूद भी लोगों व कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस यात्रा में युवा कांग्रेस अध्यक्ष रविंदर राव की अगुवाई में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। भक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पेट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Chohata Bazar, Town Mandi. Playway with Crash. Admission also starts Prabhudayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वहीं मंडी में द्रंग भाजपा नेता जवाहर ठाकुर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और द्रंग में हो रहे विकास कार्य पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से द्रंग में विलंब पड़ी विकास योजनाओं को पूरा करने की मांग की। प्रदेश के मुख्यमंत्री से वीरभद्र सिंह के 19 तारीख को द्रंग विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। हम तो चाहते थे कि 2004, 2007 से लेकर आज तक के जितने भी नीम पत्थर माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने और यहाँ के कानून मंत्री द्वारा पिछले 13 सालों से जो रखे गए थे उन योजनाओं को पूर्ण करते और आज उनको उनका विधिवत उद्घाटन कर लोगों को उसका लाभ पहुँचाते हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि जो शिलान्यास किए गए हैं उन तक उन योजनाओं का आज तक भी वो योजना आगे नहीं बढ़ पाई है और जिससे करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो सरकार का हुआ है। लोगों को तो लोगों का नुकसान तो हुआ है लेकिन सरकार का भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और हम निवेदन करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी से कि जितनी भी विलम्ब पड़ी ही योजना है आप द्वारा जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किए गए हैं, आप कहते हैं हम विकास के हम मसीहा हैं, 13 सालों की जो योजना है आपके द्वारा जो नीम पत्थर रखे गए हैं वो योजना पूर्ण की नहीं हुई है, क्या कारण है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके लिए आप उच्च स्तरीय विभागीय जांच करवाई जाए। इन योजनाओं को जो विलंब पड़ी योजना को आगे नहीं बढ़ रही है उसके पीछे क्या कारण है, ये चेते लोगों को पालने के लिए योजना बनी गई है या कोई इसके पीछे कोई और कारण है। और जो मेरा एक बार फिर निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आप तभी आए हैं जब योजना जो आपके द्वारा 2004, 2007 और से लेकर 2012-13 में जो आपने नीम पत्थर रखे हैं उन योजनाओं को पूरी करें और उनको लोगों को समर्पित करने के लिए आए आप, आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश में 33 नई शाखाओं को खोलने जा रहा है। बैंक के निदेशक मंडल ने नई शाखाओं को खोलने की प्रपोजल आरबीआई को भेज दी है। यह जानकारी बैंक के चेयरमैन हर्ष महाजन ने मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। हर्ष महाजन बीती शाम मंडी में आयोजित बैंक की कस्टमर मीट को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। हर्ष महाजन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर सरकारी बैंक की शाखा ना हो। उन्होंने बताया कि मंडी जिला की सहकारी समितियों के जीर्णोद्धार के लिए 90 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है और इस प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलते ही सहकारी समितियों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो जाएगा। हर्ष महाजन ने बताया कि आज बैंक का एनपीए कम होकर 5.5% तक आ गया है और बैंक का कारोबार भी 8,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 15,000 करोड़ तक पहुँच गया है। उन्होंने बैंक के सभी ग्राहकों को विश्वास दिलाया कि सभी के सहयोग से आज बैंक बुलंदियों पर पहुंचा है और भविष्य में भी इस मुकाम को बरकरार रखने का प्रयास किया जाएगा। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा
ये स्टेट का बैंक है, शेड्यूल बैंक है, वो भी हमने अपने टाइम पे 2 साल पहले कराया, और सारी नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए हम अच्छे स्थान पे पहुंचे हैं। और अगर आप लोगों का इसमें सबका सहयोग होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे बैंक के जो आउटपुट हैं और जो आपकी तरफ सर्विसेज हैं वो और भी बेहतर मिलेंगे आपको। इस मौके पर बैंक के निदेशक ने उपस्थित ग्राहकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सहकारी बैंक ग्राहकों का बैंक है और बैंक के माध्यम से ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते 4.5 वर्षों के दौरान बैंक ने देश भर में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि बैंक आज देश भर में सहकारिता के क्षेत्र में नंबर 1 स्थान पर पहुंचा है और इसका श्रेय सीएम वीरभद्र सिंह तथा बैंक के चेयरमैन हर्ष महाजन को जाता है। इस मौके पर सेंट्रल रेंज मंडी के IG अजय कुमार यादव और हिमुडा के निदेशक विकास कपूर सहित बैंक के अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हर महिला में जन्म से कोई ना कोई खूबी छिपी होती है, लेकिन सही मार्गदर्शन के अभाव और घर गृहस्थी की व्यस्त दिनचर्या के कारण बाहर नहीं आ पाती। मिसेज इंडिया जैसी प्रतिस्पर्धाएं महिलाओं को अपनी प्रतिभा को सामने लाने, उन्हें निखारने का अवसर प्रदान करती है। हाल ही में चेन्नई में संपन्न मिसेज इंडिया प्रतिस्पर्धा में मिसेज इंडिया क्लासिक की विजेता कल्पना ठाकुर मनाली पहुंचने पर पत्रकारों से अपने विचार साझा कर रही थी। उन्होंने कहा कि मनाली की पूर्व SDM ज्योति राणा और समाज सेविका इंदिरा शर्मा की प्रेरणा से मनाली में हुई मिसेज हिमाचल प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के दौरान बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि परिवार द्वारा दिए गए सकारात्मक सहयोग का भी मिसेज इंडिया क्लासिक खिताब जीतने में काफी योगदान रहा। कल्पना ने कहा कि कचरे की रिसाइकल कर सजावटी चीजें बनाने की उनकी महारत ने भी प्रतिस्पर्धा के निर्णायकों को काफी प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के अंतिम दौर में उन्होंने लाहौल के स्थानीय परिधान के साथ स्वयं डिजाइन की गई कागज यादी से बनाई परंपरागत ज्वेलरी पहनी, जिसे कोई भी जज नहीं कर पाया। आगे की योजना के बारे में कल्पना ने बताया कि वह आगामी मिसेज वर्ल्ड के खिताब के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और हम लोग हिमाचल से 6 जने गए थे, 3 थे 40 से नीचे वाले और 3 थे 40 से ऊपर वाले। जो 40 से ऊपर वाले थे क्लासिक, उसमें से हम 3 थे और टॉप 25 तक हम लोग 3 ही पहुंच पाए। अभी ये डिसाइडेड नहीं है, विद इन 1 मंथ हमें पता चल जाएगा। जी हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि जो औरत है वो हर तरह से सुंदर है, वो पैदा होते ही सुंदर है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती है, अच्छे संस्कार देती है, तो वो अपने आप पर हमेशा विश्वास रखें और आगे ही बढ़ती जाए। तो मुझे लगा कि नहीं, अचीवमेंट करनी चाहिए। यदि हम घर का, यदि औरत घर संभाल रही है, सब कुछ बच्चे संभाल रही है, जॉइंट फैमिली में रह रही है, तो क्यों ना इस सुंदरता की प्रतियोगिता में भी अपना वो दिखाए जज्बा कि वो किसी से कम नहीं है। नहीं, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे फादर इन लॉ ने, मेरे इन लॉज तो इतने खुश थे। जैसे ही मैं कुल्लू पहुंची तो मेरी चाची वगैरह सब ना कुल्लू में पहले से खड़े हो गए थे। इस अवसर पर समाज सेविका एवं कल्पना ठाकुर की मार्गदर्शक इंदिरा शर्मा ने बताया कि मनाली में आयोजित मिसेज हिमाचल प्रतिस्पर्धा के आयोजन के दौरान उन्होंने कल्पना ठाकुर में छुपी प्रतिभा को देखा और उसे प्रेरित किया। आज कल्पना सब महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई है, इसके आत्मविश्वास ने उसे पहचान दिलाई। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE मेन एंड एडवांस, NEET, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, NDA पेट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थकमिंग एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहटा बाजार, टाउन मंडी। प्ले वे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi.
मशरूम एक स्वादिष्ट व्यंजन के साथ साथ पौष्टिक आहार भी है। वहीं इसकी खेती करके अच्छा लाभ किया जा सकता है, लेकिन इसकी पैदावार की जानकारी होना अति आवश्यक है, जिसे स्वरोजगार के रूप में अपनाने के उद्देश्य से उद्यान विभाग सोलन द्वारा मशरूम उत्पादन पर आधारित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 जिलों के करीब 30 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मशरूम उत्पादन पर आधारित 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ अवसर पर उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला के संयुक्त निदेशक ML धीमान बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। 5 दिनों तक चलने वाले शिविर में प्रतिभागियों को मशरूम की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ इसके पैदावार के गुर भी सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण शिविर के बारे में जानकारी देते हुए उद्यान विकास अधिकारी डॉ. RS ठाकुर ने बताया कि इस शिविर में किसानों को मशरूम उत्पादन की नवीनतम तकनीकों की विस्तारपूर्वक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मशरूम पैदावार के लिए लोगों में रुचि बढ़ रही है, क्योंकि यह एक औषधीय फसल के साथ साथ कैश क्रॉप भी है। उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश खुम्ब विकास परियोजना चंबाघाट द्वारा 5 दिवसीय खुम्ब उत्पादन प्रशिक्षण शुरू किया गया है, जिसमें जिला सोलन व शिमला के लगभग 30 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस दौरान प्रतिभागियों को खुम्ब उत्पादन तकनीक पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। जिस जानकारी को उपलब्ध करवाने के लिए DMR व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहेंगे, और हमारा यह प्रयास रहेगा कि जितने भी प्रतिभागी इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, वो अपने गांव या अपने स्तर पर खुम्ब उत्पादन कार्य को करें। जैसा कि अन्य कृषि कार्य वो अभी भी कर रहे हैं, बागवानी का कार्य करते हैं, तो हमारा ये कोशिश है कि वो इसके साथ जो है खुम्ब व्यवसाय को भी जोड़े। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। शिमला जिला में जिम्नास्टिक कोच के रूप में सेवाएं देने के बाद सुनील शर्मा ने मंडी में DSO मंडी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि निदेशालय और सरकार के निर्देशानुसार वे पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। शिमला जिला में जिम्नास्टिक कोच के रूप में सेवाएं देने के बाद सुनील शर्मा ने DSO मंडी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। DSO मंडी सुनील शर्मा ने बताया कि 12 जुलाई को उन्होंने कार्यालय में अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने बताया कि उनकी पढ़ाई लिखाई चंडीगढ़ में हुई और शुरू से ही उनको खेलों का शौक था। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सितंबर 1987 में उन्होंने शिमला जिला में जिम्नास्टिक कोच के रूप में कार्यभार संभाला और उन्होंने अधिकतर समय शिमला में बिताया। उन्होंने कहा कि DSO मंडी के रूप में वे पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। यहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद को 12 तारीख को ज्वाइन किया है। अभी तो मैं डिस्ट्रिक्ट में नया हूँ, बाकी इससे पहले मैं शिमला में होता था। शिमला में इस विभाग में मैं सितंबर 1987 में एज ए जिम्नास्टिक कोच ज्वाइन किया था, तो ऑलमोस्ट मैं शिमला ही रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर मंडी में आया हूँ। बाकी रहा मेरा स्पोर्ट्स करियर, तो मैं शुरू से चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ, फ्रॉम नर्सरी टू ग्रेजुएशन वहीं से मेरा स्पोर्ट्स करियर है। 7 टाइम मैं स्टेट चैम्पियन था वहाँ पे, पंजाबी में स्टेट चैम्पियन, 3 टाइम्स नेशनल मेडलिस्ट, और टोटल जूनियर सीनियर मिला के मैंने 17 टाइम्स नेशनल्स खेली हैं और 3 टाइम्स ऑल इंडिया यानी इंटरनेशनल्स। और उसके बाद मेरी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी वो UT स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एज ए कोच हुई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए के चैनल।